क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। एक तरफ जहां भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में सफलता के कई झंडे गाड़ रही है, वहीं कंगारुओं की धरती पर बड़ा कारनामा करने वाला एक स्टार खिलाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो गया। साल 1999 में ऑस्ट्रेलिया में धमाल मचाने वाले जैकब मार्टिन सड़क हादसे में बुरी तरह जख्मी हो गए। साल 1999 में एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाले पूर्व मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जैकब मार्टिन का रोड एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बाद से वो हॉस्पिटल में भर्ती है और इनका इलाज चल रहा है। उनके पुराने साथी और टीम इंडिया के ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने इस बात की जानकारी ट्विटर पर दी। पठान ने ट्विटर पर मार्टिन की एक फोटो शेयर की और बताया कि मार्टिन बाइक से कहीं जा रहे थे और इस दौरान उनका रोड एक्सीडेंट हो गया। आपको बता दें, जैकब मार्टिन 90 के दशक में टीम इंडिया का पहचाना हुआ नाम थे। उन्होंने साल 1999 से 2001 के बीच देश के लिए 10 वनडे मुकाबले खेले। उन्होंने साल 1999 में टोरंटो में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने वनडे क्रिकेट करियर का आगाज किया, लेकिन उन्हें असली पहचान तब मिली जब उन्हें उसी साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे टीम में जगह मिल गई और कंगारू की धरती पर उन्होंने खुद को साबित भी करके दिखाया। हालांकि साल 2009 में उन्होंने क्रिकेट जगत को अलविदा कह दिया और इसके बाद मार्टिन लंबे वक्त तक बड़ौदा टीम के कोच भी रहे। फिलहाल फैंस तो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जैकब मार्टिन जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।